नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। पहाड़ की लाइफलाइन NH 309 स्थित धनघड़ी नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते नामनगर से पहले नाले के दोनों ओर का यातायात रुक गया। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित धनघड़ी नाले में बाढ़ आ गई। इससे रामनगर से पहले नाले के दोनों ओर का यातायात रुक गया। पहाड़ की लाइफलाइन NH 309 धनघड़ी नाले ने फिर यात्रियों की रफ्तार को रोक दिया। बता दें कि NH 309 पर बरसाती नाला धनघड़ी उफान पर है। मोहान से लेकर सुंदरखाल तक फंसे पर्वतीय मार्गों पर आवागमन करने वाले लोग बारिश होने की वजह से जाम में फंसे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि अब जल स्तर कम होने के बावजूद NH और स्थानीय प्रशासन द्वारा JCB से मार्ग दुरुस्त करने में देरी की जा रही है। इसे लेकर भाजपा नेता गणेश रावत ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और DM धीरज गर्ब्याल से शिकायत की है। आए दिन बारिश होने पर यहां पानी आने के कारण मार्ग बाधित होता जाता है। बता दें कि कार्यदायी संस्था द्वारा भी वैकल्पिक मार्ग को सही से नहीं बनाया गया।